एक मसला है आपके साथ कि टेस्ट तक महदूद वनडे T20 खेल नहीं रहे और टेस्ट बहुत कम होते हैं, अब बहुत तवील गैप आएगा, तो थोड़ा सा वायूस ही तो होती होगी, अच्छी फॉर्म लगी हुई है, अगर और मैचेस मिल जाते तो बड़ा ज़बरदस्त था। बहुत बिल्कुल सलीम भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से हमारी टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा होनी चाहिए। आप अभी भी देख लें, हम जो ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले हैं जनवरी में, अब ये जो हमारी अगली टेस्ट सीरीज़ है वो शायद अगस्त में, तो बहुत लंबा गैप है। और 4-day या 5-day क्रिकेट ऐसी होती है कि आप जब बहुत लंबे टाइम के बाद खेलते हो तो आपका वो मोमेंटम इतनी जल्दी बन नहीं पाता, तो यही इस क्रिकेट की खूबसूरती भी है कि आपको जो है वो क्रिकेट लगातार खेलनी चाहिए कि ताकि आपका एज ए बैट्समैन भी एज ए बॉलर भी आपका वो मोमेंटम जारी रहे। तो मेरे ख्याल से पूरे साल जो है वो टेस्ट क्रिकेट होनी चाहिए और इससे जो है हमारी टीम को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरी बात वाइड बॉल की जहाँ तक बात है, मैं अपने आप को दोनों क्रिकेट के लिए रेडी भी हूँ और रेडी करने की कोशिश भी करता हूँ। मैं हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। बेसिकली अगर मुझे रेड बॉल में पाकिस्तान टीम में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसमें परफॉर्म करूँ। और जहाँ तक वाइड बॉल क्रिकेट की बात है तो मैं डोमेस्टिक भी खेल रहा हूँ, PSL भी खेल रहा हूँ और उसमें मैंने परफॉर्म भी किया है। मेरी कोशिश यही है कि मैं रेड बॉल के साथ साथ वाइड बॉल में भी परफॉर्म करूँ और पाकिस्तान टीम में जगह बनाऊँ। 2018 में डेब्यू हुआ और फिर मौके कम मिले आपको, तो ये भी एक तरह से जो करियर इस तरह से ग्रो नहीं कर सका वजह होगी कि गैप काफ़ी आता रहा। बिल्कुल सलीम भाई, एज ए क्रिकेटर, ये तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। एज ए क्रिकेटर जब उसके करियर में गैप आता है तो जब वो कमबैक करता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। आप पूरे हिस्ट्री उठा लें, कोई भी इवन जो स्पेशली फास्ट बॉलर होता है, जब उसके करियर में इंटरनेशनल गैप आता है ना, तब जब वो कमबैक करता है तो उसकी बॉलिंग में काफ़ी डिफरेंस आ चुका होता है। और मेरे ख्याल से मैंने इस चीज़ को पॉजिटिव लिया कि 2018 में जब मैं टीम से ड्रॉप हुआ, उस दौरान मैं PSL से भी ड्रॉप हो गया था, मैं पाकिस्तान ए से भी ड्रॉप हो गया था, तो एक तरह से मैं हर क्रिकेट से बाहर हो गया था। तो मैंने एक तरह से ये देखा कि यार अब मुझे दोबारा कमबैक करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे लोगों को गलत प्रूव करना है कि मैं एक टेस्ट मैच का बॉलर नहीं हूँ या मैं PSL में वाइड बॉल का बॉलर भी हूँ, क्योंकि उस दौरान मैंने PSL में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1-2 साल से मेरी क्रिकेट दोबारा स्टार्ट हुई है, चाहे वाइड बॉल की हो चाहे रेड बॉल की हो, और उसको मैं इन्जॉय भी बहुत करता हूँ। बैटिंग में भी एक आपकी शराकत बनी थी, क्योंकि रन कम बनाए लेकिन क्रीज पर रहे थे, बैटिंग का भी शौक़ है? बिल्कुल सलीम भाई, बैटिंग का मुझे बहुत शौक़ है। इत्तेफाक से अभी लास्ट वीक हमारा स्विंग ऑर्डर का मैच भी था, तो आप बैटिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें मेरी कोशिश, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे बैटिंग में ऐसा वो मिले कि मेरी टीम प्रेशर में हो और उसमें मैं बैटिंग करूँ और टीम को प्रेशर से निकालूँ। तो लास्ट मैच में हमारे कोई 200 पे जो है वो 6 आउट हो गए थे, तो उसके बाद मेरी और सऊद शकील की कोई 80-85 रन की पार्टनरशिप बनी। तो मेरी अब ये कोशिश है कि बॉलिंग के साथ मैं बैटिंग में भी परफॉर्म करूं, और जो ऑस्ट्रेलिया का हमारा एक मैच हुआ था सिडनी में जिसमें मेरी और आमिर जमाल की एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप लगी थी। बेसिकली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने रन कम बनाए लेकिन क्योंकि मैं 11वें नंबर पे उस मैच में बैटिंग कर रहा था और मेरे साथ एक सेट बैट्समैन खड़ा हुआ था आमिर जमाल और उसके शॉट्स भी लग रहे थे, तो एज ए टीम की तरफ से मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई थी कि आपने किसी तरह से विकेट पर स्टे करना है ताकि हमारी लंबी पार्टनरशिप लगे। तो मेरे ख्याल से मैंने उसमें स्कोर से ज़्यादा मैंने ये माइंड बनाया हुआ था कि मैंने एटलीस्ट 40 से 50 बॉलें खेलनी हैं, और वही फ़ायदा हुआ कि जहाँ पे मैंने 40 से 50 बॉलें खेली है, हमारा जो लास्ट विकेट पार्टनरशिप थी वो शायद 88 की भी है, उसकी की वजह से हम लोग कोई 220 से सीधा जो है वो हम लोग 300+ पे चले गए थे।